नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते खबरों की ओर। जिला प्रशासन की ओर से लगातार एक महीने तक माइकिंग कराने के बाद मंगलवार की दोपहर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के कई सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। बांका शहर के सौंदर्यीकरण और सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के गांधी चौक के पास सबसे ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई। डीएम सुहर्ष भगत और एसपी अरविंद कुमार गुप्ता, एसडीएम मनोज कुमार चौधरी सहित काफी पुलिस जवानों की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। जिला प्रशासन ने गांधी चौक से लेकर कटोरिया बस स्टैंड से विजयनगर चौक से डीएम आवास और शिवाजी चौक की तरफ जाने वाली सड़क को दुकानदारों के अतिक्रमण से मुक्त करवाया। इसके साथ ही अतिक्रमित वीर कुंवर सिंह की मूर्ति को भी मुक्त कराया गया। एक महीने से अल्टीमेटम दिया जा रहा था। बताया जा रहा कि शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए एक महीने तक जिला प्रशासन की ओर से माइकिंग करवाया गया था, लेकिन दुकानदार हटने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसी वजह से मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। हालांकि जिला प्रशासन इन दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए नगर परिषद के साथ मिलकर जमीन मुहैया करवाने का पहल कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों का स्मार्ट कार्ड बनाया जा रहा है और उन्हें व्यवसाय करने के लिए ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है। दर्जनों दुकानदार इसका लाभ ले चुके हैं। बांका जिला अंतर्गत दोहमान पंचायत के गौरीपुर गांव में पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर किए गए छापेमारी अभियान के तहत एक घर में देशी मास्केट, एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस व 11,700 नकदी के साथ तीन अपराधी को गिरफ्तार करते हुए थाना परिसर लाया गया। मामले को लेकर बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गुप्त सूचना मिली कि गौरीपुर गांव में एक घर में अपराधियों के द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस कर्मियों को छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। छापेमारी के दौरान गौरीपुर गांव के एक घर से अवैध हथियार व नकदी के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक बांका थाना क्षेत्र के सिंझाजोड़ निवासी परमेश्वर यादव, हरिकिशोर यादव एवं गौरीपुर गांव निवासी कमल यादव बताया गया। एसपी ने बताया कि परमेश्वर यादव मर्डर कांड का अभियुक्त है, जो हाल में जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ है। सभी अपराधियों की कुंडली खंगालते हुए पूछताछ की जा रही है। हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि बांका थाना क्षेत्र में गौरीपुर में एक व्यक्ति है कमल यादव, उसके यहाँ कुछ अपराधियों का जमावड़ा हो रहा है और उसके पास हथियार भी है। हम लोगों ने सूचना का सत्यापन किया। इन दो तीन दिन से सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी। इसी सूचना के सत्यापन क्रम में सत्य पाए जाने पर इंस्पेक्टर टाउन और सब इंस्पेक्टर राजेश के नेतृत्व में हम लोगों ने तब छापेमारी की। उसी छापेमारी क्रम में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक लोडेड मस्केट और एक कट्टा बरामद हुआ है। इसमें एक अपराधी जो परमेश्वर यादव है, वो अभी कुछ ही दिन पहले हत्या के कांड में जेल में थे, जेल से जमानत पर मुक्त हुए। बांका जिले में हादसों का सिलसिला जारी है। इन हादसों में लोगों की जान भी जा रही है, लेकिन हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे। हादसे की कड़ी में ताजा घटना यह है कि धान लोड एक ट्रैक्टर के पलट जाने से इसके नीचे दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई। घटना बांका जिला अंतर्गत बेलहर थाना क्षेत्र की है। जिले के बेलहर थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़ोदा डोमासी के समीप मंगलवार की रात यह हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर पर धान लदे थे और इसे गौरीपुर नहर भैयार से लादकर बेला खुठारी गांव लाया जा रहा था। ट्रैक्टर पर चालक के अलावा मजदूर भी सवार थे। खड़ोदा जमीन के समीप ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पर से चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटी मार गया। ट्रैक्टर पलटने से इसके नीचे दब जाने से दो मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूर बेला खुठेरी गांव के बताए जाते हैं। स्थानीय सूत्रों ने मृतकों के नाम हरि महतो उर्फ हरि मंडल एवं सुरेश राय बताया। दोनों की उम्र करीब 52 वर्ष एवं 24 वर्ष बताई गई। इस घटना को लेकर बेला खुठेरी गांव में शोक का माहौल देखा जा रहा है। ड्राइवर दारू पीकर पूरा फुल था। हम लोग आए, फिर बोरा तोरा घिस के निकाले, फिर लाश को देख के लाश को छोड़ दिया। हम लोग लाश को छुए भी नहीं, ऐसे छोड़ दिए। फिर वो लोग आया खुद, फिर बाद में उठा के ले गया। कितने बजे की घटना है ये? 9:30 बजे का। हाँ। आप लोग यहीं पे थे? हाँ, यहीं पे थे। हम लोग खाना खा के जैसे उठे, हाँ, हल्ला सुने तुरंत आए दौड़ के उधर से। नुकसान हुआ था किसी को? नुकसान हुआ है? नुकसान दो आदमी मर गया। बांका जिले के अमरपुर शहर के बंगाली टोला मुख्य पथ पर हीरो शोरूम के समीप सड़क निर्माण एजेंसी के द्वारा पुल निर्माण के लिए बनाई जा रही डायवर्सन में पुआल लदी वाहन का एक चक्का धस गया, जिस कारण मुख्य पथ पर घंटों जाम लगी रही। जाम में जहां एक तरफ छोटी व बड़ी वाहन फंस गई, तो वहीं दूसरी तरफ राहगीरों को भी पैदल चलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ गया।
सूचना मिलने पर अमरपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद धसी हुई चक्के को बाहर निकाला। करीब एक घंटे के बाद राहगीरों व शहरवासियों को जाम से छुटकारा मिला और यातायात सुचारू रूप से चालू हुई। फर्ज कीजिए किसी के 3 साल की बच्ची खो जाए और 3 वर्ष तक उसका कोई अता पता नहीं चले, एकाक वह वापस लौट आए तो उस माता पिता की खुशी की सीमा क्या होगी। यह अकल्पनीय कहानी बांका में चरितार्थ हुई है, जहां 3 वर्ष पूर्व 3 साल की उम्र में खोई गई एक बच्ची ईश्वर की कृपा से सकुशल अपने माता पिता को मिल गई। मामला यह है कि बांका जिला अंतर्गत अमरपुर प्रखंड के गडेल गांव निवासी दिलीप दास की 3 वर्षीय बच्ची करीब 3 साल पूर्व अपने घर से लापता हो गई थी। काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्ची नहीं मिली, इसी बीच गांव के लालू पासवान नामक व्यक्ति ने बच्ची को वापस ला देने के अवज में 10,000 रुपए दिलीप दास से मांगे। दिलीप ने 8,000 रुपए उसे दिए, लेकिन लालू पासवान बच्ची को नहीं ला सका। इस बारे में कहने पर लालू ने दिलीप को भदरिया पुल के पास अगले दिन बुलाया और उसे बच्ची को वापस लाने की कीमत के तौर पर उससे 50,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद दिलीप ने इसकी सूचना बांका पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की छानबीन की और लालू पासवान को गिरफ्तार कर लिया। लालू की गिरफ्तारी के बाद उसके सगे संबंधी और परिवार के लोग दिलीप दास को धमकी देने लगे, इसलिए दिलीप दास अपनी पत्नी के साथ रजौन प्रखंड में स्थित अपने ससुराल में जाकर रहने लगे। इस बीच उसने और परिवार के लोगों ने बच्ची की खोज जारी रखी। इसी बीच उसके ससुराल के एक परिजन ने ट्रेन से बख्तियार से वापस लौट रहे थे, रास्ते में ट्रेन में ही एक बच्ची को भीख मांगते उसने देखा तो उसकी तस्वीर उतार ली। उसने तस्वीर दिलीप दास को भेजी तो दिलीप दास ने खुद अपनी पत्नी और परिवार के लोगों को दिखाकर इत्मीनान किया कि यह उनकी ही बच्ची है। उसने ट्रेन पर मौजूद अपने परिजन को बच्ची का पीछा करने का आग्रह किया। उक्त परिजन ने ऐसा किया भी और बच्ची का ठिकाना भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर के आसपास बंजारों की एक अस्थायी बस्ती में स्थित एक नट परिवार में खोज लिया। बाद में पुलिस उनकी सूचना पर उक्त नट परिवार में पहुंची और बच्ची की तलाश की। इस परिवार के मुखिया बालेश्वर चौधरी ने भी आनाकानी नहीं की और बच्ची को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि यह बच्ची 3 वर्ष पूर्व उसके सड़क पर रोती बिलखती मिली थी। उसका कोई दावेदार नहीं होने पर मानवता के तहत उसे अपने साथ रखकर उसका पालन पोषण किया। हालांकि बच्ची से भीख मंगवाने की बात से उसने इनकार किया। बच्ची को पुलिस ने बांका लाया, जहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिनेश चंद्र श्रीवास्तव ने भी उससे पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक बच्ची का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाया गया। बच्ची के माता पिता एवं 3 वर्षों तक उसने अपने साथ रखने वाले बालेश्वर चौधरी से भी कोर्ट में बयान करवाने की बात पुलिस से कही। 3 साल की बच्ची और हम गंगापुर गढ़ेल से आए, विजयनगर विजयनगर आए बहन का बहन कन से बच्चा को धर के सर हम गए बाजार। इसी दर में द्वार में बच्चा सब 6-7 गो खेल रहा था और सब बच्चा रह गया, यही बच्चा गोल हो गया विजयनगर से। तो फिर कैसे क्या पता चला आप लोगों को? फिर यही सर हमको ट्रेन पर पता चला भागलपुर में, जमालपुर से गाड़ी आ रही थी, वही हमारे गाँव में ससुराली छे चाचा उन्हें हमारा फोन करके बतैलका है क्या कि बच्चा ऐसे ऐसे है, फोटो भेजल के मोबाइल में सर। तो फिर यहाँ से हम बका का चढ़े थे। ट्रेन में क्या कर रही थी? भीख मंगवा रहा था ऐसे गांव में। हाँ, भीख मंगवा रहा था जी। तो फिर बका पुलिस लेके आई, जगदीशपुर थाना पकड़ी। अच्छा, जगदीशपुर थाना बका ट्रांसफर। लड़की को ले गए? सही तो बोले सर। क्या हुआ था? लड़की रोड में तो कानने चल आ रहा सर। हम सब देखे मया लगा बच्चा के, क्योंकि दबा उबा जाएगा। मया लगा बच्चा के उठा के कब्जा पर रखे कि माए बाप आएगा हम तो दे देंगे सर। ये हम कह रहे सर, आप भीख कहाँ मंगवा रहा था? भीख नहीं मंगवाए हैं सर, बोल रहे ईमानी बात बोल रहे सर। इतना बच्चा हम करते भीख मंगवाते तो इतना बच्चा करते सर। कौन कौन पुलिस से पकड़ा है? कोई पुलिस नहीं पकड़ा, यहाँ पकड़ा जगदीशपुर में से। अमरपुर बांका मुख्य मार्ग के समीप स्थित महगामा मोड़ के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक 50 वर्षीय अधर जख्मी हो गया। जख्मी की पहचान भागलपुर जिला के गौराचक्की निवासी खगेश्वर यादव के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना अमरपुर अस्पताल में दिया, जहां से एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक गश्ती में मौजूद अमरपुर थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक सुदय यादव पुलिस बलों के साथ मानवता का परिचय देते हुए दर्द से कराह रहे जख्मी को उपचार के लिए पुलिस वाहन पर लादकर बांका लेकर चले गए। मामले को लेकर सहायक अवर निरीक्षक सुदय यादव ने बताया कि होश आने के बाद जख्मी ने बताया कि अपने गांव गौराचक्की से अपनी ग्लैमर बाइक पर सवार होकर अपने रिश्तेदार बांका जिले के कमलडीह गांव जा रहा था, तभी महगामा मोड़ के समय बाइक अनियंत्रित होकर एक ब्रिज से टकरा गई,
घटना में क्षतिग्रस्त बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया। बताते चले महगामा मोड़ के समीप आए दिन दुर्घटना घटित होती रहती है, जिस कारण वह चालकों में खासी हड़कंप देखी जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।